वेलकम टू कॉलेज अपडेटर यूजीसी ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है आपके एग्जाम से रिलेटेड और रिजल्ट से रिलेटेड ठीक है तो काफ़ी दिन से आपका इंतजार था कि एग्ज़ाम कब होंगे काफ़ी कन्फ्यूजन का था तो वो क्लियर कर दिया गया है सभी यूनिवर्सिटीज़ को ये सूचना दे दी गई है कि वो एग्ज़ाम आपका कब कराएंगे तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एग्ज़ाम की डेट क्या होगी उसके बाद कि क्या बिना एग्जाम को किसी को पास किया जाएगा या फिर नहीं अगर सिचुएशन आपकी नॉर्मल नहीं होती है ठीक है तो पहला देखते हैं टर्मिनल सेमेस्टर यानी कि लास्ट ईयर स्टूडेंट का जो एग्जाम्स है जो बचे हुए एग्जाम से फिर जिनका एग्ज़ाम भी शुरू भी नहीं हुआ था उनका एग्ज़ाम सब कुछ एक जुलाई से पंद्रह जुलाई के बीच कंप्लीट कर लिया जाएगा यानी जो एग्ज़ाम आपके बचे हुए हैं उनका एग्ज़ाम एक जुलाई से पंद्रह जुलाई के बीच कंप्लीट कराया जाएगा बाकी जो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर यानी इंटरमीडिएट सेमेस्टर या ईयर के स्टूडेंट हैं उनके एग्जाम सोलह जुलाई से इकतीस जुलाई के बीच कराए जाएंगे तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट आपके लिए है कि जो लास्ट ईयर के स्टूडेंट हैं उनका एग्ज़ाम एक, एक जुलाई से पंद्रह जुलाई के बीच कंप्लीट कराया जाएगा चाहे यूजी के हों चाहे पीजी के बाकी जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर इन सबके एग्जाम्स पोलह जुलाई से इकतीस जुलाई के बीच कराया करा जाएगा बाकी रिजल्ट की डेट भी बताई गई है कि अंतिम वर्ष के छात्रों का रिजल्ट इकतीस जुलाई तक दे दिया जाएगा बाकी जो फर्स्ट ईयर सेकेंड इन सब के रिजल्ट जो है वो चौदह अगस्त तक आएंगे ठीक है तो काफ़ी इम्पोर्टेंट बात कही गई है यहाँ पे आपके एग्जाम्स डेट से रिलेटेड कि आपका एग्जाम्स जुलाई में होंगे सभी एग्जाम्स जो बचे हुए हैं सभी के सबके एग्जाम्स जुलाई में कंप्लीट कराए जाएंगे और यहाँ पे बताया भी गया है कि क्या बिना एग्ज़ाम किसी को पास किया जाएगा देखिए इस इसमें लिखा गया है कि जो टर्मिनल सेमेस्टर ये के स्टूडेंट हैं यानी अंतिम वर्ष के छात्र छात्रा हैं उनका यू जी स्टूडेंट का बिना एग्जाम के उन्हें पास नहीं किया जाएगा उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सभी यूनिवर्सिटीज़ उनका एग्जाम्स लेंगी ठीक है तो अंतिम वर्ष के छात्रों का एग्जाम होगा बाकी जो इंटरमीडिएट सेमस्टर्स हैं उनके भी एग्जाम होंगे अगर कोरोना का इफेक्ट कम नहीं होता है अगर सिचुएसन आपकी नॉर्मल नहीं होती है तो उन्हें बिना एग्जाम के भी पास किया जा सकता है यानी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर स्टूडेंट को बिना एग्जाम के पास किया जा सकता है बाकी थर्ड ईयर को नहीं उनके एग्जाम ज़रूर होंगे और जो पास किया जाएगा उनमें मार्क्स कैसे दिए जाएंगे देखते हैं यहाँ पे फिफ्टी परसेंट मार्क्स आपके पैटर्न ऑफ इंटरनल एवलिएशन यानी कि जो पचास परसेंट मार्क्स आपके प्रैक्टिकल्स के होंगे और असाइनमेंट्स के होंगे जो कॉलेज में कराए जाते हैं बाकी फिफ्टी परसेंट मार्क्स आपके प्रीवियस सेमस्टर्स के होंगे ठीक है प्रीवियस सेमेस्टर यानी पिछले एग्जाम्स में आपने कितने मार्क्स प्राप्त किए थे उसके हिसाब से आपको पचास परसेंट मार्क्स दे दिए जाएंगे तो इस नोटिफिकेशन में दो बातें काफ़ी इंपॉर्टेंट थी पहला कि आप एग्जाम्स कब होंगे और दूसरा कि क्या बिना एग्जाम के किसी को पास किया जाएगा और भी बात इसमें कही गई है कि यूनिवर्सिटीज़ को ये सुझाव दिया गया कि वे तीन घंटे के बजाय दो घंटे का एग्जाम लें और ऑनलाइन भी एग्ज़ाम ले सकते हैं सब कुछ इस नोटिस में बताया गया है तो इसे आप पढ़ सकते हैं यूजीसी की ऑफिशियल साइट पर जाकर यूजीसी क्लिक करने के पे जाकर आप अपने नोटिस वास्तव ऑप्शन पे आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया है पसंद आया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा मिलते हैं फिनिश्क वीडियो में जय हिंद